हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी बिल्कुल ठेले स्टाइल में। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे। हमें बटर भी डालना है लेकिन बाद में, क्योंकि बटर बहुत ही जल्दी जलने लगता है। आप चाहे तो आधा तेल आधा बटर एक साथ डाल सकते हैं। यहाँ पे प्याज डाल देंगे। तो मैंने दो प्याज काटा है मीडियम साइज का। जितना पाव भाजी आज मैं बनाने जा रही हूँ उसमें आराम से 3 से 4 लोग खा सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की है पाव भाजी की। अगर फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप वो तरीके से पाव भाजी बना सकते हैं, और सिर्फ 3-4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा भून जाए, मैंने यहाँ पे अदरक मिर्ची और लहसुन पीस लिया है। यहाँ पे 3 हरी मिर्च डाली है। आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारा अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाए तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच बटर। बटर को अच्छे से पिघला लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर काट लिए हैं, मीडियम साइज के 4 टमाटर, उसे भी डाल लेंगे। और इसमें डाल देंगे नमक ताकि हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए, पक जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और टमाटर जब तक अच्छे से गल नहीं जाता तब तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा टमाटर पक रहा है हम यहाँ पे मटर निकाल लेते हैं। फ्रोजन मटर मैंने घर पे ही बनाया है और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तोरी 1 कप के आसपास हमें मटर लगेगा। तो टमाटर को एक बार चेक कर लेंगे। आप ये देखिए हमारा टमाटर कितने अच्छे से गल चुका है। इसे आप इसे मैश कर दीजिए। यहाँ डाल देंगे शिमला मिर्च। तो मैंने 3 शिमला मिर्च काटी है छोटे साइज की। शिमला मिर्च के साथ ही डाल देंगे मटर, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे ढक देंगे और मिर्च और मटर को भी पकने देंगे 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर पकाइए। पे मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आप आलू की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। इसे हम छील लेंगे, इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे आलू डाल देंगे और आलू को भी अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। यहाँ डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। तो आप कौन से भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक चम्मच बटर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे डालेंगे 1 कप पानी। अच्छे से मिक्स करके देख लेंगे, अगर जरूरत है तो और पानी डालेंगे। एक बार फिर पानी डालने के बाद अच्छे से मैश करेंगे। टोटल 2.5 कप पानी मैंने यहाँ पे डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक एक बार चेक कर लीजिए आप। टमाटर भूनते समय हमने डाला था, अगर कम है तो आप और नमक यहाँ पे डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे नमक कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच नमक और डाल दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। पकाते हुए 5 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। आखिरी में हम यहाँ पे डालेंगे धनिया। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस हमारी भाजी बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। मैंने ले लिया है पाव। हैदराबाद में पाव बहुत महंगा है, 35 रुपए में ये पाव मैंने लिया है। मुंबई पुणे में ये पाव 10 रुपए 12 रुपए में मिल जाता है। इसे हम कट कर लेंगे बीच में से। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक तवा। तवे पे डालेंगे थोड़ा सा बटर, आप चाहे तो पाव में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। बस पाव को इस तरीके से सेक लेंगे। आपको अगर थोड़ा क्रिस्पी पाव पसंद है तो ज्यादा देर तक तवे पे रखिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी बन करके तैयार है। आप ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दीजिए, छोटा बारीक कटा हुआ प्याज रखिए, नींबू रखिए और पाव भाजी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।